दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में किरायेदार ने लगाया मकान मालिक पर झूठा आरोप। मामला पुलिस में पहुंचा, साथ ही बेटे ने आरोप लगाया कि सुबह 100 नंबर पर फोन करके मैंने अपनी मां को छुड़ाया। क्या है पूरा मामला, इस केस में देखे राज कुंद्रा की दिल्ली से रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूँ राज कुंद्रा। दिल्ली के खास खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खास खबर और आज की जो खास खबर है हमारे पास, दिल्ली पुलिस की जो है मनमानी दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला सनलाइट कॉलोनी का, जहां पे एसआई सतवीर के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला सामने आया, जिनको 6 बजे के बाद, मामला 26 तारीख का है, 26 तारीख को 3 महिलाओं को उन्होंने जबरदस्ती थाने के अंदर पूरी रात बैठा के रखा, जबकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से 6 बजे के बाद महिलाएं थाने में नहीं दे सकती। क्या पूरा वजह है हम इनसे जानते हैं। सर हमने किराएदार से बोलने गए थे, हमारा किराया दे दो, तो 6 महीने का किराया दे रहे, उन्होंने हमने बोला हमसे किराया नहीं बन पाएगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने मान गए चले ठीक है। तो वो हमने फिर हमने उनसे बोला कि तुम हमने उनसे बोला कि भाई ऐसे तो किराया तो तुम्हें देना पड़ेगा, रह रहे हो, तो कह रहे हम तुम्हारे हम नहीं देंगे किराया। तो थोड़ा बहुत उनका सामान था, संदूक वगैरह बाहर पड़ा था, तो जबरदस्ती हमारे घर में घुसाने लगे। हमने उनसे मना किया नहीं, हमारा जो हिसाब बनता है वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर वो वहाँ से कॉल हुए कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। उन लोगों ने बेफालतू में 100 नंबर पे कॉल कर दिया। पुलिस वाले ले गए हैं, मैंने 100 नंबर पे कॉल की और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी सिस्टर को छोड़ दिया जाए। जिस तरीके से ये केस मेरे पास 3 दिन पहले भी जब इनको थाने में रखा था, उस दौरान भी मेरे पास ये केस आया था, और उस दौरान भी मैंने जब एसएसओ साहब से और वहाँ के चौकी इंचार्ज से बात करी, उस दौरान भी जब ये केस आया कि जब जो महिला वहाँ पे किराए से रह रही है और जो इसमें एक्यूज है, उनका क्लेम था कि वो जबरदस्ती वहाँ पे रह रही है, उसके बाद जो भी इसमें हुआ कि उनने सामान वगैरह बाहर फेंका, जो भी स्थिति है, लेकिन उसके बाद ये इनका इन दोनों की आपस में दोनों पक्षों की बात होकर केस सेटल डाउन हो गया था। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।